हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी मैं हूँ वाराणसी जंक्शन पे और आज हमारी जर्नी होने वाली है पाटलिपुत्र हम सफर एक्सप्रेस से, और ये वाराणसी से आरा जंक्शन तक मुझे ले जाएगी जो उदयपुर सिटी से पाटलिपुत्र तक जाती है ट्रेन। और ये ट्रेन फुल एसी है और सभी लड़के जो मेरे साथ हैं 40 लोग हैं कम से कम, और सभी लोग आए थे एग्ज़ाम देने के लिए रेलवे का, और हम आज इस ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे का सफ़र मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन चल चुकी है। अब ये ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंच चुकी है। विश्वनाथ मंदिर 6 बजे पर हम मतलब पिछला बार हम भोजन पर खटाल से 2:30 से पहुंच गए। आ जा मदे शिवा भी ले लो कर लेखने तो ना देखो। हमारी ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन से निकलती है प्लेटफार्म नंबर 1 पर रुकी हुई थी। ट्रेन में बस एग्जाम देने वाले लड़के हैं, सारा का सारा खाली है बोगी। हाँ, एग्जाम पूरा जहाँ पे हमारी सीट है। पचहत्तर के बाद कोई टेकअप ना कर दस गो तो इसे लौकत है गलती नौ की दस गो गलती लौकत है।
देखो पापा अब अगला ये होता ट्रेन से अभी थोड़ी देर में बक्सर आने वाला है। कहाँ भाई उतार जाइएगा आप लोग, बस यहीं पे है। इधर प्लेटफार्म आएगा क्या? अरे है ना, एक नंबर पे लगी। एक नंबर पे आएगा इधर। हाँ है ना, ठीक है ठीक है। अभी हमारी ट्रेन बक्सर से खुल चुकी है। अब हम आरा जंक्शन पहुंचने वाले हैं। तो गाइस मैं आरा जंक्शन उतर चुका हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आरा जंक्शन में पहुँच गया हूँ और जा रहा हूँ घर। और आज हमारा ग्रुप डी का एग्जाम था, एग्जाम भी खत्म हो गया। तो आज की वीडियो करते हैं क्लोज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।